तो गाइस जब हम बैडमिंटन खेलते हैं तो खेलने के टाइम जो हमारे रैकेट के स्ट्रिंग टूटते हैं तो वो एक या दो जगह से टूटते हैं, जैसे कि आप इस रैकेट में भी देख सकते हो। इसके कारण जो इस एरिया का प्रेशर है वो काफी कम हो जाता है, जो बाकी बचे वाले एरिया उसके प्रेशर बढ़ जाते हैं, जिसके कारण जो आपके रैकेट के फ्रेम के अनइवन होने के चांसेस है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको कोशिश करना है जितनी बची स्ट्रिंग है उसे आप तुरंत कट करें। मैं आपको कट करके बताता हूं, आप देखना जो फ्रेम के ऊपर प्रेशर है वो कैसे रिलीज होता है। उसके बाद आपको आखिरी में चेक करने की कोई स्ट्रिंग छूटी तो नहीं है। तो आपने इंटरनेशनल मैच में भी देखा होगा कि प्लेयर के जब रैकेट के स्ट्रिंग टूटते हैं तो वो जब अपना रैकेट चेंज करने जाते हैं तो जो पुराने रैकेट के स्ट्रिंग टूटे हुए रहते हैं तो उसे वो पूरा कट करते हैं, जो नया रैकेट लाते हैं फिर उससे वो खेलते हैं। तो एक बार ऐसे ही क्या हुआ था कि मेरा एक फ्रेंड जब बैडमिंटन खेल रहा था तो उसका भी स्ट्रिंग ऐसी दो जगह से टूट गया था, तो उस समय वो उतना ध्यान नहीं दिया एंड जब 10 दिन के बाद जब अपना रैकेट देखा तो उसका रैकेट का फ्रेम पूरा बेंड हो गया था। तो आपको कोशिश करना है जितनी बची स्ट्रिंग है उसे आप तुरंत कट करें।